हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम कार्तिक है और मैं मायर प्रोडक्ट टीम का हिस्सा हूं। आज हम बात करेंगे हार्ड एनोडाइज कुकवेयर और एल्युमिनियम कुकवेयर की। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के फ़ायदे क्या हैं, क्या कोई नुकसान है जो हमें जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए आप देखते रहिए वीडियो। ओके, सो क्वेश्चन ये था कि हार्ड एनोडाइज कुकवेयर और एल्युमिनियम कुकवेयर में डिफरेंस क्या है। पहले हम समझते हैं कि एल्युमिनियम क्या है। एल्युमिनियम जो है मेटल है जो कि अबंडेंस के अंदर मौजूद है। एल्युमिनियम सॉफ्ट है, डिफरेंट शेप्स दी जा सकती हैं इसको, हीट काफ़ी कमाल की कंडक्ट करता है और इसके अंदर रिएक्शन नहीं होता। कौन सा रिएक्शन नहीं होता? अगर आप कोई किसी तरह का खाना बना रहे हैं, कोई टमाटो यूज़ कर रहे हैं, सिट्रस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो तभी तक जब तक कि इसकी एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक ट्रांसपेरेंट लेयर है वो इंटैक्ट है। वो बहुत ही महीन एक लेयर होती है, अगर वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो ऐसा स्टडीज़ बताती हैं कि एल्युमिनियम जो है आपके खाने में लीच कर सकता है, जिसकी वजह से एक मेटालिक टेस्ट आपको आता है और कहीं ना कहीं एल्युमिनियम जो है सेहत के लिए हार्मफुल हो सकता है। सो लोगों की ये चिंता थी, तो इसके ऊपर क्या काम कर सकते थे? जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने रेगुलर एल्युमिनियम के ऊपर नॉनस्टिक कोटिंग का इस्तेमाल करा, जो कि काफ़ी कमाल का बिका, लोगों को बहुत पसंद आया। और हम लोग नॉनस्टिक के बारे में बता चुके हैं आपको, हमारी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं पुरानी। इसके साथ एक चीज़ और हुई कि नॉनस्टिक जो है अगर आप हार्शली यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़राब हो जाती है, तो वापस जो है आपका खाना एल्युमिनियम के टच में आ जाता है। अब लोगों को ये थोड़ी सी ज़्यादा चिंता हुई, अब इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? तो हार्ड एनोडाइज कुकवेयर मार्केट के अंदर आया। हार्ड एनोडाइज क्या है? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से एक साधारण एल्युमिनियम, एक रेगुलर एल्युमिनियम को आप एक अलॉय से भी 2 से 3 टाइम मजबूत कर देते हैं। अब ये कैसे होता है, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक टब है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है और उसके अंदर आपने एल्युमिनियम को डिप करा। एल्युमिनियम के डिप करने के बाद आपने उसके अंदर करंट पास करा, इस करंट की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो उभर के सामने आए और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा एक लेयर बन के एल्युमिनियम के ऊपर एक्यूमुलेट हो गया, जम गया। इसने जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की महीन जो लेयर थी उसको मोटा कर दिया और इसकी वजह से एक हार्ड लेयर बन गई जो कि ईजिली डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकती है, जो कि बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंस, जो कि बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ किसी भी तरह का रिएक्शन। और इसके ऊपर अगर आप नॉनस्टिक लेयर लगा देते हैं तो वर्ल्ड का बेहतरीन कुकवेयर बन जाता है, जैसा कि हमारा सर्कलॉन रेंज। हार्ड एनोडाइज की वजह से हीट रिटेंशन कैपेसिटी जो है कुकवेयर का बढ़ जाता है, कुकवेयर जो है वो मजबूत हो जाता है, आपको मुड़ने का या डेंट होने का इतने आसानी से कोई उसका खतरा नहीं रहता। और अगर आप इसको इंडक्शन फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो आप इसके नीचे जो है स्टील का एक प्लेट लगाते हैं, हम लोग बॉन्डिंग यूज़ करते हैं, इम्पैक्ट बॉन्डिंग, उसकी वजह से जो है इंडक्शन के ऊपर ये काफ़ी एफिशिएंटली आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कोई इसके खराबी है या कोई कंसर्न है, तो सिर्फ मैं इतना बोलता हूँ कि डिश वॉशर के अंदर एक्सपोज्ड एल्युमिनियम या एक्सपोज्ड जिसके ऊपर कोई कोटिंग ना हो, हार्ड एनोडाइज कुकवेयर जो है मत डालिएगा, क्योंकि उसकी वजह से जो है आपका जो लेयर है वो ख़राब हो सकता है। इन रेगुलर किचन एनवायरनमेंट आपका हार्ड एनोडाइज बर्तन को आप नहीं घिस सकते हैं और ये सालों साल चलने वाले प्रोडक्ट होते हैं। सो देखिए, हमने समझा कि हार्ड एनोडाइज और एल्युमिनियम के अंदर बेसिक फ़र्क क्या है, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि मायर के पास एब्सोल्युटली ब्रिलियंट क्वालिटी हार्ड एनोडाइज का तवा सर्कलॉन का, और सर्कलॉन के अंदर ओरिजिन्स और इन्फिनिट रेंज ये आपको अवेलेबल है। आप देखिए, प्रोडक्ट चूज़ कीजिए, ऑर्डर कीजिए, हम आपको डिलीवर कराएंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे आपको। सो थैंक यू सो मच।